चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्प्रिंग बैलेंस ए शोज अ रीडिंग ऑफ 2 kg व्हेन एन एल्युमिनियम ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। अनदर बैलेंस बी शोज अ रीडिंग ऑफ 5 kg व्हेन अ बीकर फुल ऑफ लिक्विड इज प्लेस्ड इन इट्स पैन। द टू बैलेंसेज आर अरेंज्ड सच दैट द ए ब्लॉक इज कंप्लीटली इमर्ज इन साइड द लिक्विड एज शोन इन द फिगर। देन देखो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये ब्लॉक जो है एमास का एयर में था तो उसका मास था 2 kg, ठीक है, उसका मास था 2 kg। जैस और ये जो पानी था, पानी को जब हमने कैलकुलेट किया था तो ये 5 kg शो कर रहा था। तो जैसे ही इस ब्लॉक को हम इमर्स करेंगे, इस पे एक बायोसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और इस वजह से ये 2 kg जो शो कर रहा है उससे कम शो करने लगेगा, 2 kg से भी कम ये स्प्रिंग बैलेंस शो करेगा। और क्योंकि बायोसी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो नीचे सपोर्ट लेने के लिए जो बायोसी फोर्स जब एक्शन ऊपर लगेगा, लिक्विड लगाएगा इस ब्लॉक पे, ऊपर की तरफ बायोसी फोर्स लगाएगा तो एक्शन का रिएक्शन नीचे भी लगेगा उतना ही। तो जितना फोर्स रिड्यूस होगा 2 kg में, यहां पर उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यानी 2 kg उतना ही, ये जो 5 kg वाला स्प्रिंग बैलेंस वाला ये जो वेइंग मशीन है ये उतना ही वेट बढ़ा देगा। तो यानी 2 kg वाला पोर्शन यानी स्प्रिंग बैलेंस में वेट कम हो जाएगा, यानी मास कम शो करेगा और यहां पर 5 kg से ज्यादा वेट शो करने लगेगा। तो यहां पर ऊपर वाले स्प्रिंग बैलेंस ए में वेट कम होगा यानी फोर्स कम हो जाएगा और यहां फोर्स बढ़ जाएगा बी में। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है इसमें? सी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट। रीडिंग ऑफ द बैलेंस ए विल लेस देन 2 kg एंड दैट बी विल मोर देन 5 kg, ठीक है, सी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।